पहले थी बच्चों की बारी, अब है बड़ों की बारी। ये नंदा को आज का विनिंग अवार्ड जाएगा। नंदा कितनी गर्मी थी आज, गर्मी कितने खाने में आने में, कितनी गर्मी थी क्या खाने में आने में? तो देख रहा था नंदा का, देखो नंदा का हो गो पूरा आज। ये देखो अभी बड़े लोग की बारी आ गई, आपने खा भी लिया है अभी। इतने सालों बाद पहाड़ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, 5 साल बाद पहाड़ आया है। 5 साल बाद तो हम कल पहुंच गए थे बिल्कुल पहाड़ पे। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। जो मेन पर्पस था सब लोग का आने का वो था, हमारे घर में है पूजा, तो पूजा है तो उसमें पूरा गांव भी खाएगा खाना। तो हमारे कल सब्जी लेके आए थे जो हल्द्वानी से पूरी खेत के, आज वो सारी सब्जी बनेगी। वो सब्जी लाते लाते हालत ख़राब हो गई थी, तो लास्ट में ब्लॉग ही नहीं आ पाया, मतलब पहाड़ घर आने का। तो ये स्थिति थी। अभी मैं सुबह आया था, सुबह गया था मार्केट, मार्केट से लेके आया 10 किलो दूध, 2 किलो दही, कुछ टमाटर, ऐसे करके बहुत सारा सामान जो सुबह सुबह आता है वो सामान लेके आया। तब तक मेरे आए तक सब्ज़ी सारी कट चुकी थी, क्योंकि गांव वाले क्या कहते हैं, सब लोग अपने घर से एक एक चाकू लेके आते हैं और जितनी सब्जी होती है सब काट के चलाते हैं। तो हमारे गाँव के फेमस हथियार नंदा बैठे हुए हैं, देखो जिनके खाना खाने के मतलब चट्टे दूर दूर तक फेमस हैं। ये नंदा है, तो ये नंदा है। नन्ने ने देखो मेरे आईने चूल्हे भी लगा दिए। ये ना राय ने ना वहाँ कारगरान है, वहाँ दिशा में ध्यान नहीं दिया है वहाँ दो था वो क्या पूरी बेलने वाली मशीन। तो ये 2 चूल्हे लगाए हुए हैं, इनमें सब्जी बनेगी, मैं लेके आ जाऊँगा। तो वो बुलाना पड़ेगा ना। तो अभी पूजा होगी स्टार्ट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ शाम को पूरा गांव भी खाना खाएगा। पूरा माहौल काफ़ी अच्छा है, टेम्परेचर है यहाँ का भी 34 डिग्री, लेकिन क्या है कि यहाँ हवा अच्छी चलती है तो उसकी वजह से क्या है गर्मी थोड़ी कम लगती है। तो मतलब काफ़ी मज़ेदार है आज वाला दिन, क्योंकि बहुत सारे गांव वालों सबसे मुलाकात भी हो जाएगी आराम से, और हमारे यहाँ पूजा बहुत सालों बाद भी हो रही है। तो अभी देखो 2 चूल्हे लग गए, ऐसे क्या क्या लकड़ी लाते हैं, फिर मिट्टी लाते हैं, लकड़ियाँ ऐसे काट के रखी हैं, 2 चूल्हे लग गए। ये सारे बर्तन जो होते हैं वो होते हैं पंचायत के, और साथ में हमारे पंडित जी भी आ गए हैं। देखिए तो पंडित जी भी आ गए हैं, सुबह 9 बजे रखे अभी, तो आधे काम तो हम निपट ही गए हैं। तो सुबह 4 बजे से मैं भी उठा हूँ, पूरा परिवार 9 बजे से उठा हुआ है, सुबह 4 बजे से उठा हुआ है। यू आर फीलिंग एट योर नानाज होम, बताओ, बोलो बोलो बोलो, देखो तुम और में दिखाई दे रहे, बोलो। अच्छा अच्छा लग रहा है। तो आज क्या है यहाँ पे? चलो एक गाना सुना उनको, अच्छा नहीं पहाड़ी गाना फर्स्ट क्लास, ऐसा सुना दो आज प्लीज, सब लोग फिर तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो ये भोजन बनना स्टार्ट हो गया था, मसाले डल लेंगे क्योंकि ये खाना है पूजा का, तो ये पूरा है सात्विक, जिसमें मतलब कोई भी तामसिक भोजन वाली सब्जी नहीं डालते, प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालता है। उधर आलू छिले जा रहे हैं, देखो जो आलू उबालने रखे थे पहले बार में, तो वो आलू छिल रहे हैं। उधर हमारी लौकी पूरी हो गई है बॉईल, लौकी बॉईल हो गई है। साथ साथ में यहाँ पे इसमें है सफ़ेदाई छोले ना, सफ़ेदाई छोले इस कुकर में, ये भी पंचायत का कुकर है, 15-20 लीटर कुकर है, 20 लीटर कुकर है, इसमें भी इस चूल्हे पर हमने लगाया था इसको। गिटार ये तो हम तुम्हारा सास ठीक छो, एक साल बाद मिले तुमको। हाँ ताई जी के ब्याज दुल्हन देखो आए में। हाँ एक साल पहले तो कौन करना था फोन, दो फोन नहीं करने, मैं तुम्हारा वीडियो बनानी हूँ हमारे भाई वीडियो। हाँ ये गिटार सन गाँव गाँव गिटार गिटार सन गिटार गिटार अब भूतपूर्व तो आप ही हुए पुराने वाले फोटो नहीं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले बार कितने लोगों ने देखा मालूम है आपका वीडियो? 25,000 लोगों ने कमाया गया है। हाँ उनको से बुढ़ी मस्त 4 बार सन करनी चाहिए पकड़ कर नहीं आ बुढ़ी आ। हाँ मस्त 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 4 बार बुढ़ी सन करनी तुम्हारे गाँव बुढ़ी रहे आगे जो मेरी शादी में 500-600 किलोमीटर स्कूटी चला के आए थे देखो। हाँ हाँ
और भाई पंडित जी का, पंडित जी ने मास्क बेचारा उतारा नहीं, रानी के दाके मास्क उतारा, और जहाँ पर मास्क उतारा उसके अगले मोड़ पे ऐसा हो रहा था और पंडित जी का चक्कर दिया चालान मास्क का, मास्क के चक्कर में। कितने का किया? मास्क का चालान काटा यार। 100 रुपये काटा ना? 100 रुपये का काटा। 100 रुपये का चालान कट गया पंडित जी। वो हेलमेट का भी था लेकिन छोड़ दिया उसने, कहा सर जेब में कोई पैसा ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा शादी से आ रहे कहीं से, जेब में कोई पैसा नहीं है। फिर तो चालान तो होता है तुम्हारा एक ना। तो भैया हम लोग हो गए सेटअप, देखो यहाँ धोती कुर्ता पहन लिया मैंने, निहारिका तैयार हो रही है, निहारिका सब पहनेगी है, पहुँची वोची मांग टीका वगैरह, ये आलसी नहीं तो भी तैयार नहीं होती है और बुआ भी तैयार नहीं होती। तो हम तो जा रहे हैं पूजा में, इंजरी पूजा, और वहाँ सब्जी भी बननी है तो देखते हैं। पूजा तो पूरी दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन थोड़ा बहुत अंश आपको दिखाऊँगा। भगवान ध्यान कर लिया हो मन अभांग हो ने तुम प्रभा के लिपात्र चतुर्बाहु चामि करम चारु गात्रम जगत त्रारे तुम त्रिभुवन के तुम सदा सत्य नारायण स्वामी देव भगवते वासुदेवाय सत्य नारायण ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिर अंधकारे मारुति निहरि आले हरि गिरा पले तमोलिया चंदन अक्षत फूल एक भेंट और एक वस्त्र चढ़ेंगे। ओम एतन्ते देव सवितर यज्ञं प्राहुर बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमावतेन यज्ञपतिते नमः भव मनो ज्योतिर्युक्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञ विमन्त अनुतरिष्ठं यज्ञ वंश विमन्त धातु विश्वे देवा स्वयमादेवतां प्रतिष्ठ ओम भूर्भुवः स्वः प्रधान दीपाय हा गच्छ सुपर्तिष्ठितो वर्तो भव सर्वपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य गन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम दीपम भूषणार्थे द्रव्यं च समर्प्य नैवेद्यमावोम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडल ये त्रिलोक्य व्यापनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। ये है पूरी बच्चा पार्टी। ये तो अभी तक क्या था कि जो वैदिक मंत्रों के साथ मतलब साथ साथ शकुना कर चले थे, जो मतलब क्या है कि यहाँ का उत्तराखंड की कुमाऊँ की एक संस्कृति है, वैदिक मंत्र पंडित जी बोले थे, साथ में कुछ मतलब औरतें होती हैं जो मांगलिक गीत गाती हैं जिसमें भगवान को बुलाया जाता है, तो वो सब कुछ चल रहा था। इधर अभी क्या है कि खाना बनने की प्रोसेस पूरी चालू है, पूरी अभी सूजी बनने वाली है, सब्जी दोनों बन गई है ना, सब्जी दोनों उन्होंने बना दी है, अभी पूरी बनने का काम बचा हुआ। हाँ तो हाँ मम्मी बुला रहे हैं आपको, तो यहाँ पे ये पारसी पूजा करने के लिए यहाँ पर बन रहे हैं आपके पारसी, और शिव जी के जो पूरा बनता है तो वो ये बन रहा है अभी यहाँ पे, जैसे बना रहे हैं तो ऐसे ये पूरे जैसे पूरे हैं ऐसे बनेंगे पूरे 1500 मतलब, तो ऐसे पूरे 1500 बनाने हैं। साथ साथ अभी ये आटा गूंथ दिया बाबा जी ने। था बार के काट करना था ना, तो बार को भेज देना अपना सामान कर दो, मैं डर नहीं। अच्छा अच्छा पूरा बोलन छे कह रहा था मैं भेज दियो तो भेज दियो मैं संजू भेज दियो संजू डरन संजू बजो डरन बुआरी डर भाई के बेनी रे मैं बुआरी को दका हेलो डरन के ना तो बुआरी देवी के धन्य बुआरियां देवी हम डरा दे हम खूब डरा करो करो भेजो। तो यहाँ पर गुटा रहा है आटा, देखो पूरी के लिए अभी 1 2 3 4 5 लोग आटा गूंथ रहे हैं। हम उसमें आ जाएंगे ना वो भी यूट्यूब में आ जाओगे। यूट्यूब में भेज दिया आप, हाँ मैं तो नहीं दिख नहीं पाया। क्यों नहीं दिख रहे हो? सापला दिखाई दे रहा हूँ, पानी की बाल्टी दिख रही है। हाँ आटा भी तो गूंथ दिया। हाँ
इसा दा आपा मुते खाना छ रोज दिन जाय पंग तुम या रोग भय करता कारण तुम गता शिवा खंड स्नानन देवी सो मा भगवानी तुम सुदाय जिला संसार शिवाय मा सप्रा स्नानन समर्पयानि तब तो दकम शीतलो दकान तुम पंचामृत का जला उठाओ पंचामृत स्नानम पंचामृत चढ़ाओ चारों तरफ ओम पंच विद्या सरस्वती मपि अंतस्तो सरस्वती तुम धातु देशे भोग चलता तो पूरी बनने का कार्यक्रम पूरा स्टार्ट है। सब लोग वहाँ पूरी बेलने में लगे हुए हैं। ये लोग बेल रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम बेलेंगे उसका। अभी यहाँ पर गोदान नाला है तो उसकी तैयारी चल रही है। बाकी पूजा बस हरी पूरी होगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में ना सब लोग आलती पालती मार के खाते हैं। सबसे पहले बच्चा पार्टी आ गई देखो खाने के लिए। पूरी रहता है वो सब कुछ। बच्चा बाल्टी में एक बड़ा सदस्य भी घुस गया देखो ये। पहले थी बच्चों की बारी, अब है बड़ों की बारी। ये नंदा को आज का विनिंग अवार्ड जाएगा। नंदा कितनी गर्मी थी आज, गर्मी कितने खाने में, कितनी गर्मी थी, क्या खाने में आने में तो देख रहा था। नंदा का देखो, नंदा का हो गो पूरा आज। ये देखो अभी बड़े लोग की बारी आ गई। आपने खा भी लिया है अभी। सो गाइज आज का मौसम आप देखो कितना जबरदस्त है। कल शाम हमारे यहाँ थी पूजा। पूजा होने के बाद जैसे पूरी पूजा हो गई, करीब 75% ने गांव वालों ने खाना खा लिया था। और मैं तो बड़ी हालत खाती हूँ, खाना बांटते 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 मतलब स्थिति हो गई थी नाजुक। तो उसके बाद ब्लॉग भी नहीं मिला रात में पूजा करने का, क्योंकि खाना बांटना था। और उसके बाद हो गया तूफान आया और बहुत भयंकर बारिश। और आज का मौसम देखो कुछ ऐसा नज़ारा है, चारों ओर बादल आए हैं। मैं कल तक मैं टी शर्ट में था और अभी मैंने पहनी है स्वेट शर्ट। एक स्वेट शर्ट लेके आया था, मैंने कहा ठंडा होगा तो उसे पहन रहा। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम माय विलेज।